2020 के समय का, जब हमारे इस पूरे दुनिया में जो कोरोना आया हुआ था, उस समय हमारी जो लड़की है बीच वाली यूनिस, उसको कोरोना हो गया था। और 2020 में बोलेंगे तो पूरे दुनिया के लोग इतने ज्यादा घबराए हुए थे, कोरोना बोल रहे, कोरोना जिसको हो गया है तो इतना डर उनके मन में समा गया, कोरोना हो गया तो हमें मरना है, कोरोना हुआ मर रहे हैं, और कोई कोई तो कोरोना से, कोरोना हो गया तो सुसाइड भी कर रहे हैं डर से। तो इसी तरह से मेरी बेटी को जब हो गया था तो वो हमें बताई, फोन में बताई। पहले वो जस्ट हम बातें कर रहे थे फोन में, और बातें कर रहे बोलती है मम्मी मेरा कोरोना हो गया है, और जब कोरोना हो गया मुझे बता रही है तो फिर बोलती कि ऐसा करो आप मौसी के घर जा रहे हो और अब मैं वीडियो कॉल करती हूँ। जब ऐसे बोली कि हम तो ऐसे फोन में बातें कर रहे हैं, वीडियो कॉल की बातें कर रही है, तो हम सोचते कि ऐसे वीडियो कॉल, हमें ऐसा लगा कि यार वीडियो कॉल कर रही तो हमें कि उसको लास्ट आखिरी बार देख लो क्योंकि मैं आप इस दुनिया में ले रहूंगी। और जैसा वो बोली तो हमें मतलब हमारी आंखों में आंसू आ गए, और उससे लगती था और हम जब बच्ची ऐसा कर रही है कि वीडियो कॉल के द्वारा मुझे आखिरी बार देख लो और मुझे दोबारा देख नहीं सकोगे, हम रोना शुरू कर दिए। फिर वो हमें संतावना देने लगी कि मम्मी ऐसा आप लोग मत करो, अगर ऐसा करोगे रोगे तो हम नहीं बताएंगे। फिर हम क्या करें, परमेश्वर से यही प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर हम अपनी बच्ची को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उसकी तू रक्षा करना, देखभाल करना। और ऐसा हुआ कि हमारी बच्ची ठीक ठाक रही और सुरक्षित रही, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसी रीति से बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। उसके बाद धीरे धीरे 2021 में जैसे चढ़ा तो कोरोना बहुत ही नॉर्मल हो गया है और उसमें डरने की कोई बात नहीं है। और अभी कुछ समय की बस 3-4 दिन की बात है, मुझे कुछ प्रॉब्लम तो होने लगी और मैं डॉक्टर के पास गई और मुझे देख करके ये बोला कि शायद आपका थायराइड हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है आपका, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। जब ऐसा बोला आपको टेस्ट कराना होगा, मैं तो बहुत ज्यादा घबरा गई और सोचने लगी कि मेरे बच्चे तो सेटल ही नहीं हुए हैं, अब मैं अगर कुछ मेरा कुछ हो जाता है, 3-3 चीजें मुझे बता दिया है और अगर टेस्ट में ये सारे निकल गया है तो मैं क्या करूँगी, और बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी। लेकिन जब मैं ब्लड टेस्ट दे करके आई, फिर रिपोर्ट के लिए बुलाया और मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करती रही, परमेश्वर तू मेरा कोई बीमारी ना निकले मेरा, यही मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती रही। और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जब मैं रिपोर्ट लेने के लिए गई तो मुझे ये बताया गया कि आपका सब कुछ नॉर्मल है। तो परमेश्वर मुझ में महान है और सर्वशक्तिमान है, अपने बच्चों का देखभाल करता है और सब परेशानियों से तकलीफों से बचाता है। तो हम ये मैं ये आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ, जैसा कि आखिरी समय में शैतान भी बहुत जोर शोर से काम कर रहा है और ये जो बीमारियां जो है ये सारी क्या है, हमारे लिए विपत्तियां है और परेशान, ये जो वचन ये बोलता है कि आखिरी समय में ये सारे मरी हुए आएंगे, बहुत सारी बीमारी आएंगे, लड़ाई झगड़ा आएंगे, ये सारे प्रभु यीशु मसीह का आने का संकेत है। तो हम चाहते हैं कि तो शैतान चाहता है कि हमें परमेश्वर की उस परमेश्वर पर जो हम विश्वास करते हैं उस विश्वास से हमें हमारे विश्वास को कम करें, लेकिन हम कोशिश करें दिन प्रतिदिन परमेश्वर के सामने आए, हमारे विश्वास को मजबूत करें, कमजोर होने ना दें, क्योंकि समय ऐसा आने वाला है। बहुत सारे आज कोरोना चल रहा है, अभी उसके बाद भी दूसरा आया था, अभी फिर ओमिक्रॉन आया है, उसके बाद हम नहीं जानते क्या क्या आएगा। तो इस रीति से हम अपने अपने विश्वास को क्या करेंगे, हम खोएंगे या हम विश्वास को कम करेंगे, लेकिन हमें वैसा नहीं है। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उसके वचनों को पढ़ें, उससे प्रार्थना करें। सबसे बड़ा हमारा डॉक्टर कौन है, परमेश्वर है, उसके पास जाए, उसका हम अगर हमारे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है परमेश्वर से हम प्रार्थना करें और वही हमें संभालेगा। थैंक यू।